गुड मॉर्निंग, मैं नितीश सर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज दंगल पार्ट 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं और इस दंगल पार्ट 5 में हम लोग आज भी वही चीज करने जा रहे हैं जो कि एक हम लोग महा एपिसोड का शुरुआत किए थे, कॉमन एरर। उस टाइप के कॉमन एरर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो कि एसएससी में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, उस कॉमन एरर को हम लोग बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए डील करते थे। कैसे? क्वेश्चन पढ़े, जहां पे थोड़ा सा भी लिंक मिला वहीं से डील कर लेते थे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, यानी 1 से 2 सेकंड में उस एरर को हम लोग बना लेते थे। तो चलिए आज उस टॉपिक पे फिर से हम लोग चलते हैं। उससे जाने से पहले एक लाइन आज आपके लिए मैं फिर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर अपने वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करता हूं, तो आज क्यों ना बहुत दिन हो गए हैं एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। कल की बात मैं बता रहा हूं कि कल मेरा एक दोस्त ने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ तो सब सही है लेकिन मेरे साथ जो गलत कर रहे हैं उनके साथ मैं क्या करूं। जरा गौर कीजिएगा, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं मैं उनके साथ क्या करूं, उनके साथ मैं भी गलत करूं या उन्हें छोड़ दूं या फिर उनके इक्वल में आ जाऊं या फिर उनके साथ अच्छा करूं। तो 3 कंडीशन उसने फिर बताया कि उसे उसके साथ मैं बुरा करूं, अच्छा करूं या उसके इक्वल में आ जाऊं। तो मैंने उसे कहा नहीं, तुम उसके साथ बुरा करो, अगर बुरा करोगे तो उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं होगा, अगर तुम उसके साथ अच्छा करोगे तब फिर क्या होगा, वो तुम्हें बेचकर खा जाएगा और आप अगर उसके इक्वल में रहिएगा फिर वो भी पागल और आप भी पागल। तो एक मेरा राय मान लो, तुम उसे छोड़ दो, नजरअंदाज ही कर दो, बात खत्म। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप को अगर कोई गलत बोल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि जो आज आप कर रहे हो इससे आने वाला कल बेहतर होगा तो आप उस चीज को अवश्य करें। तो आइए इसी चीज को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कॉमन एरर। स्टार्ट। हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मेरे स्लाइड पे दिख रहा होगा, आपको भी इधर स्लाइड पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आवर न्यू नेबर्स सैयद had been living in Arizona since 10 years. मिल गया गलती। देखिए 10 years है, 10 years है, और ये देखिए period of time. My dear student, मैं आपको बता दूं, period of time के लिए हम लोग 4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 4 का। देखिए यहां कैसे होना चाहिए, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस के जगह 4, ऑप्शन नंबर सी, सिंस के जगह। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई अराइव्ड, सही है, आई फाउंड देम बोथ सिटिंग ऑन द टेबल वेटिंग ऑन मी। अब देखिए मैं आपको बता दूं, वेटिंग प्लस ऑन, ये बिल्कुल वेटिंग के साथ, वेट के साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज नहीं होता है, ऑन का यूज नहीं होता है, यहां पे होगा वेटिंग प्लस फोर। चलिए तो मैं आपको बता दूं ऑन के जगह क्या होगा, 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मीटिंग हेल्ड लास्ट मंथ ऑल द मेंबर्स वेयर प्रेजेंट देन, एक मिनट रुकिएगा, क्या मिला, देन। जैसे ही देन मिला हमारा कॉन्सेप्ट कहां जाना चाहिए था, सीडी में। सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के अंत में क्या लगता है, देन। अब देखिए जैसे ही ये देन लगाया, और देन में ऑल नहीं होता है, ऑल अदर होता है, क्या होता है, ऑल अदर, यानी क्या हो जाना चाहिए, इन द मीटिंग हेल्ड लास्ट मंथ ऑल अदर मेंबर्स वेयर प्रेजेंट Then, Vinay. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। When I received the letter, the date for the interview was already over. अब देखिए was लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, was। जैसे ही was लगा हुआ है, और ये सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चल रहा है, जैसे कि मेरे पास वो आया लेटर, उसका डेट खत्म हो चुका था, तो पास्ट, और एक पास्ट तो सब पास्ट, यानी रिसीव, क्या है, रिसीव, और रिसीव में ईडी लगा दीजिए तो ये पास्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, व्हेन आई रिसीव्ड, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन को देखिएगा, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताया था कि हार्डली हो स्कार्सली हो दोनों निगेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है? निगेटिव। और एक सेंटेंस में डबल निगेटिव का यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, नॉट को हटा दीजिए, हो गया आंसर, कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, नॉट और हार्डली एक साथ दिया है, नॉट को हटा दीजिए। आइए अगला सीखिए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा अच्छे से आप लोग कीजिएगा। ही सेज दैट ही इज टायर्ड विथ दिस वर्क, बताइए तो इसमें आप लोग। ही सेज दैट ही इज टायर्ड विथ दिस वर्क, इसमें देखिए नो एरर है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई एरर ही नहीं है। चलिए आइए अगला देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock, बताना इस क्वेश्चन का आंसर। आई सॉ हिम कमिंग आउट, देख रहे हैं स्लाइड पे दिख रहा है क्वेश्चन, आपको भी दिख रहा होगा। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। मैं बता दूं भाई साहब, जब भी टाइम रहे, 10 o'clock रहे, 12 o'clock रहे, कुछ भी रहे टाइम, वहां पर अपोजिशन एट लगता है। क्या लगता है? एट। और यहां आपको लगा के दिया है ऑन, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर में गलती है, ऑन के जगह एट हो जाएगा। आइए अगला सीखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग फाउंड ए पीस ऑफ चीज, टू कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड अमंग देम। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जब बात दो के बीच में होगी, कितने के बीच में, तो आप बिटवीन लगाना, क्या लगाइएगा? बिटवीन। जब बात दो के बीच में होगी तो क्या लगेगा? बिटवीन। लेकिन जब, माय डियर स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा, जब दो के बीच में तो बिटवीन, और जब दो से ज्यादा तो अमंग, क्या लगेगा? अमंग। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। I found a piece of cheese. Two cats went. कितना का, कितने बिल्ली की बात हो रही है? टू की। तो अब यहां देखिए among लगा के दिया है, among के जगह क्या हो जाएगा? Between. क्या हो जाएगा? Between. तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। One of my friend is returning to India from the USA. इस क्वेश्चन को आप बनाइए, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, उम्मीद करता हूं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बनेगा आपसे। बनाइए। वन ऑफ माय फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। मैं आपको बता दूं, वन ऑफ क्या होता है? वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल के फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है? चलिए तो अब देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड दिया, फ्रेंड के जगह क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। फ्रेंड के जगह क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है? ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप खुलेआम इस पे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं, और आप जितना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे उतना ही अच्छा मिलेगा और मैं उतना ही अच्छा कंटेंट और उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे सकता हूं। तो आइए देखते हैं। सम ऑफ हिज लगेजेज, आगे जाने की जरूरत नहीं, रुकिए। सम ऑफ हिज लगेजेज, नाउन के रूप में लगेजेज गलत है, नाउन के रूप में लगेजेज गलत है। सही क्या होगा? लगेज। सही क्या होगा? लगेज। क्यों गलत है? सर ये अनकाउंटेबल नाउन है, सर ये अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए आइए और ये आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का एपिसोड खत्म भी होने वाला है। इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक, माय डियर स्टूडेंट, रुको तो, मोर वीक, क्या आप बताओ ये डिग्री सही है? सीडी के रूप में वीक का कंपैरेटिव डिग्री होता है वीकर, क्या हो जाता है? वीकर, ना कि होता है मोर वीक, ना कि क्या होता है? मोर वीक। सीधा क्या हो जाता है? वीकर। सीधा क्या होता है? वीकर। तो आपको गलती भी पता चल रहा होगा, मोर वीकर के जगह क्या हो जाएगा? मोर वीक के जगह क्या हो जाएगा? मोर वीक के जगह सीधा वीकर हो जाएगा। तो आप सीखे, मोर वीक नहीं होता है, मोर वीक नहीं होता है,
वीकर होगा, वीकर होगा। आइए अगला सीखते हैं। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। बनाइए ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो समझिए आप सही में एसएससी के एग्जाम देने लायक हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखिए दो नंबर पार्ट में आपको मैं बता दूं डी आर ओ डब्ल्यू एन ई टी ड्रॉन्ड और एक है एस एन के संग। देखिए जब कोई भी चीज कोई सतह से पूरी तरह से डूब जाए, पूरी तरह से डूब जाए तो एस एन के संग का यूज करते हैं ना कि ड्रॉन्ड का। अब देखिए सिप पूरी तरह से डूब गया, सिप जब पूरी तरह से डूब गया तो ड्रॉन्ड नहीं, एस एन के संग का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है दो नंबर, इसका आंसर कितना होगा सेकंड वाला। आइए देखते हैं अगला। चलिए माय डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फोर है माय डियर स्टूडेंट। एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन बनाते बनाते आंसर ही याद हो जाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फोर कभी लुकिंग फॉरवर्ड के साथ फोर प्रेपोजिशन नहीं, टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट मैं आपको इस तरह से आज दंगल महादंगल का पांचवा क्लास को खत्म किया। जिस दिन हम लोग आएंगे ये टोटल 10 एपिसोड में चलेंगे और 10 एपिसोड में लगभग 200 क्वेश्चन को हमको खत्म करना। मैं आपको बता दूं आपका वीडियो बनाने के लिए लॉकडाउन में मेरा घर बिल्कुल रोड के सामने है, ठीक है, और हमेशा उस पे लॉकडाउन में नियम का पालन नहीं हो रहा है, हमेशा गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो जिसके कारण मुझे एक वीडियो को बनाने में लगभग 2 घंटा लग रहा है, 10 मिनट का वीडियो बनाने में 2 घंटा लग रहा है, बार बार रोकना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी क्रॉस कर रही है। तो ये सारी चीजों को मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चीज को आप समझिए, आप इसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैं बता दूं इस एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्लास 12 का बेसिक बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। आपके घर में जितने भी भाई बहन होंगे बिहार बोर्ड से लोग, उनको आप बता दीजिए क्लास 12 का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है और 11 का फाउंडेशन बैच वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।